चांद पे रश किया जा रहा है, तूफान अपने मूवमेंट स्पीड का यहाँ पे है। जी हाँ, प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अकाजा की बात की जाए, अकाजा के सामने भी एक प्लेयर है बादल को बहुत ही प्यारा डैमेज देते हुए, बट कृष्णा फाइट मैन बॉल में स्मूथ के सामने दोनों प्लेयर एक साथ नॉक हो जाएंगे। अकाजा के लिए 1v2 और सामने जो प्लेयर है वो खुद ही बहुत हद तक डैमेज है। अकाजा वो 10 HP में लास्ट प्लेयर को नॉक किया था अकाजा ने, बट यहाँ पे फिनिश कर देंगे स्मूथ और 13 finish। भाई 6 राउंड में 13 finish। चलो करते हैं यहां पे स्टार्ट, लेट्स गो। चलिए बढ़ते हैं गाइस यहां पे। ओके बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। नोटा की बात की जाए, कृष्णा पीछे यहां पे आ चुके हैं, तूफान कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़े से वहां पे फंस सकते हैं। बादल भी यहां पे है। विलन की बात की जाए, विलन थोड़ा पीछे है, बट इस बार नोटा वहां पे रश लगाते हुए, बट क्या 1v1 का बैटल निकालेंगे? वो फाइट निकाली जरूर है। कृष्णा को शायद फिनिश करे उधर, विलन पे भी चार्जिंग किया गया है, एक प्लेयर को उधर नॉक किया गया, इधर से नोटा भी नॉक हो चुके हैं। चलिए और अब अकेले प्लेयर यहां पे अकाजा यहां पे बचे। जी हां, अकाजा अकेले प्लेयर बचे हैं। ईशान यहां पे नॉक है, अकाजा ने एक प्लेयर को यहां पे नॉक किया था और फिनिश कर देंगे। और जीडब्ल्यू के टू की बात की जाए तो गाइज यहां पे डिफीट करके आए हैं और जो स्क्वाड है वो है विंसेंजो की स्क्वाड। मैच नहीं, ओके ये भी गो। विलन की बात की जाए, राइट हैंड साइड है यहां पे अकाजा और क्लोज यहां पे आते हुए, क्या उधर से टीम को इधर की तरफ मूव कर सकते हैं? जीडब्ल्यू के टू पेस काफी अच्छा है इस टीम में और पेशेंस भी कल हम लोग देखने के लिए मिला था। साथ ही साथ अकाजा ओपन में आए हैं, स्मूथ वहां पे अकाजा को रॉक करेंगे। उधर नॉट एक्सेड भी यहां पे रॉक हुए, बट विलन की बात की जाए तो M10 के साथ है वहां पे। ओके और विलन भी रोका देंगे, बट कृष्णा वहां पे आते हुए कृष्णा को भी टेक डाउन किया है। ईशान यहां पे लास्ट मैन स्टैंडिंग, 1v2 यहां पे ईशान के लिए रहेगा। जी ईशान काफी HP यहां पे लो जरूर है, 2 प्लेयर चार्जिंग यहां पे उनके उन पे करेंगे जरूर और फिनिश यहां पे कर देंगे स्मूथ। स्मूथ यहां पे जी आए का अलग ही फॉर्म में यहां पे नजर आते हुए गेम स्टार्ट होते हुए। स्कोर यहां पे हो चुका है 2-1 यहां पे। ओके चले गए 2-1 यहां पे स्कोर। जस्ट मैं अभी देखा कि भाई प्लेयर्स तो बढ़ते हैं एक और राउंड की तरफ। बादल थोड़ा सा पीछे हैं गाइस यहां पे, स्मूथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बट पीछे उन्होंने प्लेयर को देखा है और विलन को टेक डाउन। ओहो नॉक को भी यहां पे फिनिश करते हुए। जी हां स्मूथ ऑन फायर यहां पे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं यहां पे। जी हां चढ़ के अपोनेंट्स पे यहां पे खेलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। इवन एक्समेट प्लेयर को यहां पे UMP से टेक डाउन किया है उन्होंने। अब 3 प्लेयर यहां पे बचते हैं। भाई प्रेशर वाला गेम है क्या? NG लगातार फॉर द 6th टाइम फाइनलिस्ट यहां पे बनेगी CS टूर्नामेंट के। बादल यहां पे कृष्णा को नॉक करेंगे, ईशान को भी नॉक कर दिया जाएगा। प्लेयर्स यहां पे आ रहे हैं बट बैक टू बैक यहां पे फिनिश निकालते हुए और अकाजा को भी यहां पे फिनिश कर दिया जाएगा। गाइस स्कोर अब हो चुका है 3-1। बहुत ही अच्छा यहां पे स्टार्ट लेते हुए और 4 राउंड के अंदर 9 finish यहां पे 50 या 555, क्योंकि इवेंट 3 बजे से स्टार्ट हो गया था। गुडीज भी थी गिव्वे के लिए, फोटो सेशन भी था और हम लोगों ने 30 मिनट की लाइव स्ट्रीम भी की थी, तो ऑन टाइम ही गए थे आप। ओके ओके लीजिए अकाजा भी यहां पे नॉक। एनजी जिस तरीके से आज यहां पे स्टार्ट ले रही है और ईशान अकेले प्लेयर बचे हैं। जी ईशान के लिए 1v3, स्मूथ को यहां पे टेक डाउन करेंगे। ईशान नोटा को भी यहां पे नॉक करते हुए, बट बादल यहां पे फिनिश करेंगे और 4-1 यहां पे स्कोर। बड़े ईशान बहुत ही प्यारा, क्योंकि उधर से भी यूएमपी प्लेयर बहुत खतरनाक है। 3 प्लेयर बहुत ही अच्छा यूएमपी यहां पे चार्ज इन करते हैं और इधर से बात करें तो स्मूथ गाइज 5 राउंड के अंदर डबल डिजिट में एंट्री मारते हुए। और आप लोग बताऊंगा गाइज एनजी से भी यहां पे एक प्लेयर आए हैं, एनजी से भी थोर ने वहां पे एंट्री की थी। सरप्राइज यहां पे एंट्री और स्मूथ फिर से यहां पे फर्स्ट नॉक यहां पे निकालेंगे। 11 finish यहां पे स्मूथ निकाल चुके हैं। जी हां फिर से चार्जिंग करते हुए, बट प्लेयर जो है यार वो टीम एक नजर यहां पे आ रही है आज, जिस हिसाब से प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ यहां पे रश कर रहे हैं। ईशान पे रश किया जा रहा है, तूफान अपने मूवमेंट स्पीड का यहां पे है। जी हां प्रदर्शन यहां पे कर रहे हैं। अकाजा की बात की जाए, अकाजा के सामने भी एक प्लेयर है बादल को बहुत ही प्यारा डैमेज देते हुए, बट कृष्णा फाइट मैन बॉल में स्मूथ के सामने दोनों प्लेयर एक साथ नॉक हो जाएंगे। अकाजा के लिए 1v2 और सामने जो प्लेयर है वो खुद ही बहुत हद तक डैमेज है। अकाजा वो 10 HP में लास्ट प्लेयर को नॉक किया था अकाजा ने, बट यहां पे फिनिश कर देंगे स्मूथ और 13 finish। भाई 6 राउंड में 13 finish ही, तो काफी पेस पे वो खेलते हैं। इवन जिस तरीके से GWK2 विंसेंजो का गेम चल रहा था, वो पेस पकड़ पाना, लाइक कमेंट्री में वो सारी चीजें ऐड कर देना क्या क्या हो रहा है, वो काफी मुश्किल यहां पे हो रहा था। बट लेट्स गो गाइस, आज ट्राई यहां पे जरूर करेंगे।
सेमीफाइनल है यहाँ पे, 13 फिनिश 6 राउंड के अंदर, एवरेज देखा जाए तो 2 से ज्यादा, और बादल यहाँ पे नॉक करेंगे। जी हाँ, चार्जिंग किया जा रहा है, हालांकि इधर से नोटा भी नॉक हुए, बट स्मूथ जंप करके यहाँ पे डैमेज दिया जरूर है। तूफान की बात की जाए, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे हैं, ग्लू वॉल में फंस गए, एक प्लेयर को नॉक किया है यहाँ पे, और नहीं नॉक हो जाएंगे, बट स्क्वाड को फिनिश यहाँ पे कर दिया गया, और 6-1 अब यहाँ पे स्कोर होता हुआ। और एनजी की बात की जाए भाई, लिटरली लगा नहीं था कि फर्स्ट गेम इस तरीके से स्टार्ट यहाँ पे देंगे, वन साइडेड हम लोगों को अभी यहाँ पे नजर आता हुआ। अभी को बढ़ते हैं कर राउंड की तरफ, 6-1 यहाँ पे स्कोर। जी हाँ, 14 फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं स्मूथ। सेमी की बात की जाए, अनस्टॉपेबल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कृष्णा यहाँ पे पीछे है, बट क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगी विलन की बात की जाए, पीछे अकाजा शॉर्ट रेंज में, कृष्णा और ज्यादा यहाँ पे क्लोज में है। Here we go. कृष्णा, ईशान, अकाजा, ईशान टॉप पे गए हैं, और दिक्कतें हो जाती हैं टॉप पे रहते हो, हर एक प्लेयर यहाँ पे आप पे एंगल बना सकता है, बट एनजी किस तरीके से स्टार्ट एक तरीके से लेती है। विलन पीछे है, यहाँ पे एक ग्लू वॉल आगे लगाई है भाई, ये मानना पड़ेगा जिस तरीके से दिमाग को, नो वे भाई, सीरियसली क्या यहाँ पे बंदा खेल रहा है। इस बार नॉक हो गए यहाँ पे एक प्लेयर को, ओनली रेड लगा के, और देखते देखते अब अकेले प्लेयर विलन यहाँ पे बचे। जी हाँ, विलन लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या 7-1 से फिनिश करेंगे। विलन थोड़ा सा क्लोज इन यहाँ पे करते हुए, 1v2 यहाँ पे विलन के लिए, बट प्लेयर पीछे गए, रिवाइव किया जा रहा है, उधर से वॉल ब्रेक की जा रही है, बट विलन रिवाइव तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। जी हाँ, फाइट ही लेनी पड़ेगी, तूफान M10 के साथ है, और विलन ने तूफान को नॉक किया था, बट फिनिश कर दिया जाएगा विलन को। और यार काफी जल्दी यहां पे गेम फिनिश हुआ है, दोनों टीमें क्या रश करके यहां पे खेल रही थी, बट स्मूथ के लिए ओपी हो जाए, ऐसा लग रहा है गेम अभी स्टार्ट हुआ था और फिनिश भी हो चुका है।